उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। इस संकट की घड़ी में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाने में जुटे हैं, लेकिन कुछ जाहिल लोग उन पर ही पत्थर से हमला कर रहे हैं। मुरादाबाद में संदिग्ध कोरोना मरीजों को लेने पहुंची मेडिकल टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम ने साफ कहा कि इन पत्थरबाजों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को डरा कर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर सभी के साथ आगे बढ़े। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना काल में जिन्हें भी वायरस से पीड़ित होने के लक्षण दिखे उन्हें स्वयं जांच के लिए आगे आना चाहिए व उन डॉक्टरों का सहयोग और सम्मान करना चाहिए जो अपना जीवन दांव पर लगाकर आपकी जान बचा रहे हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने सरकार को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि सरकार को भी लोगों को डरा कर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर सभी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल अखिलेश यादव कुछ भी कहें, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट फुट से मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हैं। वोट बैंक खिसकने के चक्कर में पत्थरबाजों पर भी नरम रुख अपनाया और उल्टा योगी सरकार को ही इसके लिए कटघरे में उतार दिया। बीते दिनों मुंबई के बांद्रा में जुटे प्रवासी मजदूरों को लेकर भी अखिलेश यादव ने उद्धव ठाकरे सरकार को सलाह देने की बजाय सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। इस समय भी अखिलेश यादव राजनीति करने में लगे हैं, लेकिन सीएम योगी के चलते ही यूपी में कोरोना की रफ्तार दूसरे राज्यों के मुकाबले कम है, जबकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन ये अखिलेश यादव को नहीं दिखेगा, उन्हें सिर्फ वोट बैंक दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।